बाहर की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है KMC हेल्थ सिटी एंड KMC कैंसर इंस्टीट्यूट, उत्तरी भारत का आधुनिकतम सुविधाओं से युक्त चिकित्सा संस्थान, बागपत रोड, मेरठ। नमस्कार, आप देख रहे हैं fastbite.tv। सरकार अपनी है, नगर निगम अपना है और अफसर भी। बावजूद इसके भाजपा के ही पार्षद नीरज ठाकुर को गड्ढा मुक्त सड़क न मिलने पर भूख हड़ताल पर बैठना पड़ा। 3 दिन बाद भी जब नगर निगम के अफसरों के कान पर जू नहीं रहेगी तो स्थानीय नागरिकों के सब्र का पैमाना छलक गया। उन्होंने सूरजकुंड रोड चौराहे पर जाम लगा दिया। यहां उन्होंने नगर निगम व अफसरों के खिलाफ नारेबाजी की, मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। इतना सब हुआ लेकिन नगर आयुक्त मौके पर नहीं पहुंचे, जबकि जाम लगाने वाले नागरिक व पार्षद बराबर उनके आने की मांग कर रहे थे। अंत में पार्षद ने यहां तक कह दिया कि यदि यही रवैया रहा तो वह अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। तो आगे की बढ़ाई दे रहा हूं, मैं आपको इस्तीफा लिख करके दे रहा हूं, नहीं करना मेरे को ऐसा काम। जब मेरे मुखिया पे इतना भी टाइम ना हो, मैं यहां पे 3 दिन से बैठा हूं, है? पर यूं कह रहे मैं क्या करूंगा आकर के वहां पे, मुझे आप इधर उधर की बातें बता रहे हो कि बहुत बड़ा काम लग गया। साहब मेरे पास रिकॉर्डिंग है मेरे पास, कि मैं क्या करूंगा आकर के वहां पे। अरे हमें क्यों चिट्ठी भेज देते हैं, आज 6 बजे पहुंच जाओ टाउन हॉल में, आज 7 बजे पहुंच जाओ टाउन हॉल में, बुला लेना। अच्छा हम सदन के सदस्य, हम खाली हैं, बेवकूफ हैं हम। ये तो मतलब महानता है मेंबर होने के नाते कि आप पहुंचते हैं, तो उनसे कहो वो भी महान बन जाएंगे, 10-5 मिनट के लिए आ जाएंगे यहाँ पे, बिना बात के इशू बना रहे हो आप लोग। लाओ मैं लिख करके दे रहा हूँ। अजय जी घर से सुनो, घर से मेरा लेटर पैड मंगाओ, खत्म करो साली कहानी को, मुझे मेरे को करना ही नहीं है ऐसा पार्षद पना। अरे मत तो तुम्हारी धर्मशाला तुम रखो ना अपने पास, फिर हमारी कौन सी तुम्हारी धर्मशाला अपने पास रखो, मुझे मेरे को रहना ही नहीं पार्षद, दैट्स ऑल। कोई बात नहीं, सही है, कोई बात नहीं, सही है। मैं प्रेस के सामने कह रहा हूँ साहब, मैं अपना इस्तीफा दे रहा हूँ, खत्म कहानी। अरे मुझे नहीं रहना ऐसे, हमारा कोई 99 साल का, मैं क्या तुमसे ठेका ले रहा हूँ किसी चीज का, कि दुनिया भर की नुके जी उन पे काम है, इन पे काम है, हम खाली बैठे हैं यहाँ पे। बता दें कि फूलबाग नाले के किनारे की सड़क पाइपलाइन डालने के लिए खोदी गई थी, करीब 1 साल से ज्यादा हो गया लेकिन उसकी मरम्मत नहीं हुई है, जिस कारण लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बताया गया है कि करीब 1 किलोमीटर की सड़क पर 48 गड्ढे जानलेवा साबित हो रहे हैं। नगर निगम के पार्षद नीरज ठाकुर व स्थानीय नागरिकों ने अपनी परेशानी का हवाला देते हुए कई बार प्रार्थना पत्र भी दिए, लेकिन सभी रद्दी की टोकरी में डाल दिए गए। इस पर बाध्य होकर पार्षद को भूख हड़ताल पर बैठना पड़ा। 3 दिन बाद भी जब उनकी सुध नहीं ली गई तो स्थानीय नागरिकों ने सूरजकुंड चौराहे पर जाम लगा दिया। आइए देखते हैं। सम्राट पैलेस से लेकर के इस चौपड़े तक लगभग 1 किलोमीटर लंबी सड़क पे 48 जबरदस्त गड्ढे हैं और आए दिन यहाँ पर एक्सीडेंट होते रहते हैं। 48 गड्ढों में आप ये समझिए कितनी समस्या आवागमन को होगी। ये एक किसी व्यक्ति पर्सनल की किसी की समस्या नहीं है, आम जनता की आवागमन की सबकी समस्या है। और इस समस्या को लेकर के हमारे पार्षद श्री नीरज सिंह ठाकुर ने कितनी बार आवेदन किया, कितनी बार कंप्लेंट की, कितनी बार एप्लीकेशन दी और बहुत बार आवाजें उठाई, लेकिन उस आवाज को हमेशा दबा दिया गया और अनसुनी कर दिया गया। अब आखिर में परेशान होकर के वो भूख हड़ताल पर बैठे हैं। कल सुबह 8:30 बजे से, परसों सुबह 8:30 बजे से ये समय आ गया। आप समझ सकते हैं ये अधिकारी लोग, आयुक्त लोग जो है, नगर आयुक्त, ये हर घंटे में चाय पीते हैं, हर घंटे में कॉफी पीते हैं, फ्रूट खाते हैं, अपने नोट गिनते हैं, क्या करते हैं ये जनता के लिए, जबकि स्मार्ट सिटी बनाने के लिए मेरठ शहर बार बार रह जाता है। स्मार्ट सिटी इस तरह तो बन नहीं सकता जिसमें सड़क में, मेन सड़क में 48 गड्ढे हैं, उसको लेकर के हमारे पार्षद 3 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। हम वार्ड नंबर 7 से बोल रहे हैं, हमारे नीरज सिंह ठाकुर हैं,
यहाँ के सभासद हैं वो उस सड़क के लिए, सड़क टूटी फूटी पड़ी है, आए दिन वहाँ पे एक्सीडेंट होते रहते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, सबको बहुत परेशानी है। वो तीन दिन से भूखे प्यासे बैठे हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। और वो देखो जनता के लिए जो कर रहा है सब कुछ, लेकिन लोगों के समझ में नहीं आ रहा, बड़े लोगों के, अगर आयुक्त है कोई भी बड़े नहीं है, इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि बच्चा तीन दिन से भूखा तड़प रहा है, इसकी कुछ सुझने कह रहे हैं, हमें तो कुछ मालूम नहीं है, सारे अखबारों में भी निकल चुका है, सारा सिटी हलचल पे भी आ चुका है, लेकिन वो लोग ये कह रहे हैं कि कुछ पता ही नहीं है। उस बच्चे की हालत बहुत ख़राब है, वो किसी के लिए छोड़ी, सब जनता के लिए करता है। इसमें सिर्फ 60 वार्ड के लोग ही नहीं, सारे लोग जाते हैं, जो जेल चुंगी से आ रहे हैं उधर से कोई भी जाता है, इधर मेन रास्ता है लोकप्रिय जाता है, हॉस्पिटल में जाता है, गढ़ रोड पे जाता है, सब लोग बेगम सब जाता है, लेकिन वो अपने लिए तो कुछ नहीं कर रहा, लेकिन इन लोगों को जरा भी समझ में नहीं आ रहा कि उसका ध्यान रखें, कुछ करें। तीन दिन से वो भूखा प्यासा पड़ा है वहाँ पे, और नाले के किनारे एक वो लगा के बस पॉलिथीन लगा रखी है, कितनी एक्सीडेंट होते हैं, और कैसा ठंड है, कितनी ठंड पड़ रही है, शीतलहर चल रही है, लेकिन वो वहाँ पड़ा है। इस बारे में भूख हड़ताल पर बैठे भाजपा पार्षद नीरज ठाकुर ने फर्स्ट बाइट से यह बात की। यही तो बात है कि मतलब अपनी सरकार में भी भूख हड़ताल पर जो मैं बैठा हूँ, मेरी गवर्नमेंट जो है ना, भाजपा मेरी माँ है, पहले तो ये समझ लो, है ना, मेरी कोई शिकायत मेरी पार्टी से नहीं है, मेरे संगठन से कोई शिकायत नहीं है, मुझे सिर्फ शिकायत इनसे है, ये नगर आयुक्त जो हैं इनसे है, ये सड़क टूटी हुई है, और यहाँ पर मैं पिछले तीन दिनों से यहाँ पर बैठा हूँ, और तीसरा दिन है, ठीक है ना, भूखा बैठा हूँ, भूख हड़ताल कर रहा हूँ मैं यहाँ पर बैठ करके, मात्र सिर्फ एक सड़क के लिए, और वो भी अपनी सरकार में बैठा हूँ, है ना। और देखो आप लोगों के सामने, आप भी यहाँ पर बहुत देर से खड़े हो, ये लोग जो है नगराय साहब को यहाँ बुलाने के लिए यहाँ पर तैयार नहीं है, उन्होंने अपना जो है मुझे लग रहा है ऐसा अपना इसको प्रेस्टीज इशू बना लिया है कि वो यहाँ पर नहीं आना चाहते हैं। मैं आप लोगों के सामने कह रहा हूँ भाई, मैं बहुत दिनों तक जो है इस सब चीज़ को मैं उठा नहीं पाऊँगा, है ना, अगर मानो ये यहाँ पर नहीं आते हैं तो मैं सच्ची कह रहा हूँ, मेरे पास दो ही विकल्प हैं, या तो मैं यहाँ पर बैठा रहूँगा, नहीं तो फिर भाई मैं अपना इस्तीफा दूंगा। मैं मतलब ऐसा ऐसे पद पर मेरे बने रहने से कोई फायदा नहीं कि मैं अपने मुखिया को भी मैं यहाँ पर ना बुला सकूँ, बेकार है, बिल्कुल बेकार है यार, मेरी सरकार है, मैं अपनी सरकार में अपने नगरायुक्त को भी यहाँ पे नहीं बुला सकता, तो ये मेरे लिए शर्म का विषय है, ये मैं मतलब मेरे पास शब्द नहीं है कुछ भी कहने के लिए, बस मेरे पास दो ही विकल्प हैं, या तो मैं यहाँ पर बैठा रहूँगा, है ना, और या फिर मैं इस्तीफा दूंगा। इस खबर में आज इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.tv। नमस्कार।